जरा इंतजार का मजा लीजिए, देना ही है। उसे जरा पूछिए, 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं और लगभग नाम जो है वो तय हो चुके हैं। देखिए, अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले कह दिया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली है, अब बारी है तमाम जितने जेडीयू और आरजेडी कोटे के मंत्री होंगे, कांग्रेस कोटे के जो मंत्री होंगे उनके शपथ ग्रहण की। तो ऐसे में तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, आशीर्वाद लिया है, और आते आते एक तरफ जहाँ कहा है कि 16 करोड़ रोजगार बाकी है, बीजेपी वाले जरा पहले उस पर बताएं, क्योंकि बीजेपी के लोग अब 10 लाख रोजगार की बात करने लगे हैं जैसी सरकार बनी है बिहार में महागठबंधन की। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अब बात तय हो चुकी है, यानी कि नामों का बस ऐलान होना बाकी है। तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, देना ही है। और मुख्यमंत्री जी ने तो आप लोगों से बात की है इस बारे में, अब इसमें किसको शक, हम तो दे रहे, उनसे जरा पूछो दे रहे कि नहीं दे रहे 2 करोड़। अरे नीचे कर रहे, उनसे जरा पूछिए, 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, हम तो दे रहे। अरे क्या करे, हमको जरा उनसे पूछ के सब लोगों से बात तो हुई, आप लोग तो जानकारी है, वहाँ भी पत्रकार लोग पहुँचे। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी, सब लोगों से हमारी बात हुई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद लिया है, और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। अभी देखते हैं हम लोग को प्रायोरिटी क्या है, अभी देखा जाएगा। नाम तय हो गया, लगभग तय हो गया है क्या? अभी तो अभी सब चीजें उसी अंतिम। तो तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है, नाम लगभग तय हो चुके हैं। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव जब पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने गए, रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों से भी राखी बंधवाए, और उसके बाद जब वो पटना आए हैं, ऐलान कभी भी हो सकता है। कई सारे नामों की चर्चाएं हो रही हैं, आलोक मेहता के नाम की चर्चा है, भाई वीरेंद्र के नाम की चर्चा है, इसके अलावा समीर महासेठ के नाम की चर्चा है, इन तमाम नामों की चर्चा है, तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा है। तो इन तमाम नामों की चर्चा है, ऐलान कभी भी हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना है, और फैसला अब महागठबंधन के तमाम दलों ने ले लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात की। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।